गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले हम इनके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि यू नो ऑलरेडी दैट इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री विच इज़ वेरी इनॉर्मस इन साइज एंड यू ऑल्सो नो दैट इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द लैंड मास। इफ़ वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ आवर कंट्री, यू नो दैट इट इज़ 3.28 million square kilometer and its landed boundaries are 15,200 kilometers. Its coastal boundaries are 7,516 kilometers. Thus, you can say, student, that how much enormous shape that our country have and in which we are living is full of too much type of culture, too much type of other variation in different fields, so that you can say that India is a country with variety of culture, with variety of religion, with variety of geographical features and all that things. इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं कि इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट, इट्स साइट्स आर लोकेटेड इन बोथ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द थ्री साइड आर कंट्री इज़ बाउंडेड बाय द थ्री बिग सीज विच नेम यू नो ऑलरेडी दैट वन साइड इट इज़ कवर्ड विद द अरेबियन सी, द ईस्टर्न पार्ट इज़ कवर्ड विद द बे ऑफ बंगाल एंड इन द मिडल there is the Indian Ocean. In Indian Ocean, you know that the maximum boundaries of our country lies with the ocean, so that Indian Ocean is named after our country. ये भी एक fact है। इसके बाद आप लोग देखिए कि शुरुआत में आपने ये देखा होगा कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने वाले वास्को डी गामा, और उसके बाद जब हम लोग आगे जाते हैं, जब इंडिया के पूरे बैकग्राउंड को जब देखेंगे, तो इंडिया की एग्जैक्ट सिचुएशन को इंटरप्रेट करने के लिए हम इसमें बहुत सारी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस को डालते हैं, जिनमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इम्पॉर्टेंट लाइंस विच टेल्स अबाउट द स्पेसिफिक situations and the conditions of the particular place. What are the latitudes and what are the longitude? As you read earlier, that latitudes are those lines which are lies parallel on the globe, and longitude are the vertical ones. The vertical lines are called the longitude, and these two lines exactly recognize the position of the particular place. India, where our country is situated, according to the longitudinal extent, it is 68° 07' east from the 97° 25' east. Latitudinal extents are those lines which influences the duration of the day and night. So after discussing it, we will discuss about what is the standard meridian. Standard meridian kya hota hai? Standard meridian is a particular place from where the local time of the every country is recognized. In India, it is situated in 82.5° ईस्ट। तो बच्चों, जब हम लोग इंडिया के पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, तो इतना सारी ज्योग्राफिकल जानकारी जानने के बाद ही हमको इंडिया की पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, और हम ये जान जाते हैं कि हमारा कंट्री जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह पर सिचुएटेड है। स्ट्रेटजिकली भी अगर हम देखें तो इंडिया इतनी इम्पॉर्टेंट जगह पे प्लेस है कि जहाँ से हम चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं और
स्ट्रेटजिकली इसका इम्पोर्टेंस जो है वो प्रूव कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल सीन्स में। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज़, विच आर द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, आपने पहले भी पढ़ा होगा। देर आर 7 कंट्रीज़ इन फैक्ट विच रिलेटेड टू इंडियाज नेबर, एज अ नेबर दे आर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान। एंड यू नो दैट फॉर डूइंग द इकोनॉमिकल एंड सोशल रिलेशनशिप गुड इन दिस फील्ड, इंडिया रिप्रेजेंट द सार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। वॉट इज़ द सार्क ऑर्गेनाइजेशन? द फुल फॉर्म ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 8 December 1985। What was the purpose behind making the SAARC organization? So exact purpose behind making the SAARC organization was to fix and to regulate the economical and social relationship between these South Asian countries. Because you know that after Second World War, there was a very much influence of the two countries, Russia and America. So that in South Asian countries, the small countries like ours and Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, who didn't want to get again united with the big countries, they started their economical and social and cultural cooperation by making a tie with all of them. And SAARC was an organization like that. SAARC का जो मेन उद्देश्य था, इट वॉज एस्टैब्लिश टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन इन बिटवीन द 7 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। सो दैट बाय दिस डिस्कशन यू कैन नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर कंट्री एंड यू कैन रिकॉग्नाइज दैट हाउ मच इम्पोर्टेंस यू कैन एक्सप्लेन about your country in Asian continent as a subcontinent, and you can say also that your country is the leader in the Asian countries. In fact, in the South Asian countries, it is just behaving. In political scenes also, you can say that India is a leading power, because you can say that in non-aligned movement, in all type of political scenes, since India is leading as a prominent country. तो आज हम लोगों ने ये discuss किया कि India की size and location का India की political and strategical and social and economical positions पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और इसकी ही वजह से India को हम एक prominent country के रूप में define कर सकते हैं।